हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान .com पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम से रिलेटेड आपके सारे भी ठीक है। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप पहली जो चीज़ है आपके लिए यहाँ पे, जो इसकी स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा यही रहती है कि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़नी है वो सिर्फ मार्क्स को बेस पर पढ़नी कि हाँ भाई ज़्यादा मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट खींचेगा मेरा, अपना स्ट्रॉन्ग जोन देखता है लड़का। एक्स ग्रुप की कट ऑफ रहती है हमेशा जो पहले एग्ज़ाम की होती है वो ज़्यादा रहती है, तो ये मान के चलिए 35 से 40 के बीच में आप मान के चलिए। वाई की सेम रहती है 40 to 44 के बीच में। तो सेकेंड एग्ज़ाम होता है उसमें इनको दौरा पड़ जाता है और 26 के से 32 के आसपास आती है इसकी कट ऑफ, और वाई की आती है 36 से लेके 42 के आसपास कट ऑफ, बस सेम यही रहता है। अब इसके लिए अपन को पढ़ना क्या है वो चीज़ ध्यान रखनी, मैथ्स। एक्स ग्रुप के लिए बता देता हूँ फिर वाई ग्रुप के लिए बताते हैं। मैथ्स में अपना ध्यान सेम रखना है किस पे, कैलकुलस सबसे पहला, 2D 3D वेक्टर, एलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, PNC हो गया, प्लस प्रोबैब हो गया, ये चीज़। अगला अपना क्या आता है मैथ्स के बाद, मैथ्स के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यही पढ़नी है, फिजिक्स। ये आता है अपना 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, इसके मिलते हैं 20 मिनट। अगला आपका आता है फिजिक्स, जिसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, ऑप्टिक्स, वेव प्लस रे दोनों पढ़ोगे आप, मॉडर्न आ गई आपकी। इसके बाद आपने मैग्नेटिक कंपाउंड में मैग्नेटिक कंपोनेंट वगैरह सब कुछ पढ़ने, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे आप, सर्किट पढ़ेंगे सारा। और खास करके इस बार पिछली बार गेट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था, तो गेट वाला चीज़ पढ़ लेना, और गेट एंड गेट और नॉट गेट वगैरह। फिजिक्स हो गया, सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड होता है, इसके सिर्फ आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के, टाइम कितना है सिर्फ 20 मिनट्स। तो ये लेवल हमेशा आपका हार्ड रहता है इसमें, प्लस आपने हमेशा फिजिक्स 2 पढ़नी है 11th की, बर्नौलीज लॉ, जिसमें प्रेशर हो गया आपका, विस्कोसिटी हो गया, यंग मॉड्यूल वगैरह हो गया आपका, स्टोक्स लॉ हो गया, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है फिजिक्स 2, ये चीज़ आपने पढ़नी ज़रूरी है 11th की। आपका हो गया 25 50 मार्क्स। अगला अपना आता है इंग्लिश, इंग्लिश आती है आपकी 20 मार्क्स की, 20 मिनट्स ही मिलते हैं आपको इंग्लिश। इंग्लिश में अब अपना क्या रहता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, रहता है कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब। इसमें प्रीपोजिशन ये हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, अगला वोकैब, एक दो क्वेश्चन आता है वोकैब में जरा नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन एक पूरा 4 का आता है, प्रीपोजिशन आपके आते 2-3, आर्टिकल्स बन जाते हैं, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, स्पॉटिंग द एरर्स में हमेशा टेंस बनता है तुम्हारा, टेंस हो गया, कभी कभार वर्ब आ जाता है जिसमें पार्टिसिपल वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी होती है इंग्लिश में। ये तो आपका आ गया पूरा एक्स ग्रुप, 25 प्लस 20 70। अब वाई पे चलते हैं, इसी का 20 ये आ गया, आप अपना वाई में क्या हो गया, रीजनिंग बचा। रीजनिंग में अपन लोग लेके आएंगे क्या, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, सीरीज में कौन सी, न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, जैसे 1 2 3 हो गया, बॉक्स में लिखा होता कभी या फिर स्क्वायर में लिखा होता, कुछ भी टाइप में बना होता, सीरीज हो गई। सीरीज के बाद आपका क्या बोलता हूँ, अल्फा न्यूमेरिक में एक नंबर एक आपका अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट में ABCA इस टाइप में होगा आपका, ये मान के चलिए। अगला और कौन सा आता है, इमेजेस हो गई, वाटर इमेज हो गई आपकी, मिरर इमेज हो गई, वो चीज़ हो गई, फिगर्स हो गए, एम्बेडेड फिगर्स आपने ले लिए, या फिर कंप्लीट ऑड वन आउट हो गया। इसमें एक चीज़ और आती है, एप्टीट्यूड आता है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन के आस 10 से 12 के आसपास आपको कभी कभी या फिर कभी 8 10 12 के आसपास वो एप्टीट्यूड आते हैं, जिसमें टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी चीज़ आते हैं। SCF LCM का एक क्वेश्चन हर बार रहता है, वो ध्यान रखिएगा।
ये हो गया। और यहाँ पे रीजनिंग्स में जीएस आती काफ़ी बहुत ही नल एंड वॉइड टाइप की आती है। जीएस से एक या दो क्वेश्चन आपको बनता है जो सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से एक दो क्वेश्चन आता है वही होता है। पॉलिटी तो बहुत ही कम पूछता है और पूछ जाए तो बाकी आपका पूछता है सीए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछते हैं दो तीन, कभी दो कभी तीन पूछते हैं। उसी में डिफेंस अफेयर्स हो गया और इसमें स्पोर्ट्स आपका स्पोर्ट्स हो गया, ऑथर्स हो गया, मतलब बुक्स वगैरह बुक हो गई, ऑथर्स हो गया आपके, अब यहाँ पर अवार्ड्स अवार्ड प्राइज अवार्ड्स एंड प्राइजेस वगैरह ये आपको यहाँ पे मिलेंगे सर। तो दोस्तों ये चीज़ तो होगी, अब इतना सब कर लिया इसके बाद जो डाउट्स होते हैं वो उनके लिए कहाँ जाना है। बहुत लोग कहते हैं सर ऑफलाइन बैचेस के लिए मेरे को बता दो, तो मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको सारी तरीके की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको आपको डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो क्लास में भीड़ होती है ना वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। केडी एजुकेशन नाम की एक आपके पास इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ एकदम 10 to 15 है। पिछला जो उनका रिकॉर्ड रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ पे 6 स्टूडेंट थे तो 6 में से 5 लड़के क्लियर किए, एक लड़का क्लियर नहीं किया, तो 5 out of 6 अच्छा स्कोर है काफ़ी यहाँ पे। और हर किसी ने मेडिकल फिट भी किया, हर किसी को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बात करना चाहता हूँ, वहाँ पे आपको सारी तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, सराउंडिंग सही मिल जाएगा और टीचर आपके डाउट सॉल्विंग मिलेंगे वहाँ पे। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स नीचे मैंने लिंक में मैं मेंशन कर रखी है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए और अगर आप उनको बताएंगे कि डिफेंस ज्ञान से हैं तो आपको उसमें 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस बंदे तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।